नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई की 2023 जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं उसकी हम बात करेंगे। टॉप क्वेश्चंस जो हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, और आज से आपको यहाँ रेगुलर अपडेट मिलेगा एसएससी सीजीएल का, तो आप चैनल के साथ बने रहें, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं और किस तरह का पैटर्न है और किस तरह एसएससी पूछ रही है क्वेश्चंस, इससे आपके एग्ज़ाम में सुविधा होगा आपको इसे क्रैक करने में। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन 16 जुलाई का क्या है क्वेश्चंस। तो उसके पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो ये है सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो देखते हैं एक एक करके क्या है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड में सबसे बड़ी आइलैंड जो है ग्रीनलैंड है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, और ये लोकेटेड है आपका अटलांटिक और आर्कटिक ओशंस के बीच में। ये लार्जेस्ट ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नोखाई सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। नोखाई एक तरह का फेस्टिवल है जो किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। एक तरह से एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये एग्जाम है फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, तो आप फेस्टिवल्स इस तरह का पैटर्न पकड़िए, इसको देखिए किस तरह से एसएससी पूछ रही है आपका। तो फेस्टिवल से क्वेश्चन हर एक बार सेप्ट में पूछा जा रहा है, तो इसलिए फेस्टिवल का आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। हु इज़ नोन एज द स्पीकर्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। तो कालिदास को स्पीकर शेक्सपियर बोला जाता है इंडिया का। शेक्सपियर किसको बोला जाता है इंडिया का, तो कालिदास को। इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, एसएससी का फिक्स क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का ये फिक्स क्वेश्चन है। यक्षगान इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट, ये है आपको कर्नाटका का है ये आर्ट फॉर्म। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड, झारखंड का स्टेट बर्ड क्या है, तो एशियन कोयल, कोयल की एक प्रजाति है को, तो ये है स्टेट बर्ड झारखंड। तो अब झारखंड न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, तो झारखंड के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रीवियस सेट में आप सुवर्णरेखा जो रिवर है इसका झारखंड का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और अभी देखिए नेशनल बर्ड इसका स्टेट बर्ड का भी क्वेश्चन पूछा, तो झारखंड से अभी रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकता है, तो झारखंड से देख लीजिए क्वेश्चन। हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं मॉसोलियम। अब देखिए हुमायूं मॉसोलियम मतलब ये एक तरह से आपका यहाँ पे, तो इसका जो मतलब होता है मॉसोलियम का समाधि होता है, तो हुमायूं की समाधि किसने कंस्ट्रक्ट की थी, तो बीघा बेगम ने। बीघा बेगम इनका दूसरा नाम भी हाजी बेगम भी नाम था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यह है सातवां क्वेश्चन, विच सिटी इज़ कॉल्ड इंडियाज़ पेरिस। इंडियाज़ पेरिस किसको बोलते हैं, इंडियाज़ पेरिस की अगर बात करें तो जयपुर है हमारे, राजस्थान की कैपिटल है जो है ना, उसको बोलते हैं हमारा इंडियाज़ पेरिस। सत्यमेव जयते वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच बुक। सत्यमेव जयते अगर आप देखेंगे कई बार आपको टैगलाइन मिली, पुलिस जनरली पुलिस का ये टैगलाइन होता है, तो ये किस बुक से लाया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से ये लाया गया है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, VVI क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 स्टार मार सकते हैं क्योंकि हर एक बार रिपीट करता है कोई ना कोई सेट में, RRB हो या SSC हो। SSC का ये फिक्स क्वेश्चन है क्योंकि हर एक ना कोई सेट में पूछता ही है। तेहरी डैम, अब देखिए डैम से क्वेश्चन है, तो डैम से सारे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि डैम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तेहरी डैम लोकेटेड इन विच रिवर, तो भगीरथ रिवर में है ये तेहरी डैम, और तेहरी जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, मैं वहीं पे ये तेहरी डैम इसका लोकेशन है। तो डैम से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काराकोरम हाईवे कनेक्ट विच टू कंट्रीज, तो कनेक्ट्स चाइना और पाकिस्तान। तो काराकोरम जो रेंज है आपका चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है हाईवे, तो इस पर ध्यान देंगे। नीली क्रांति, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो इसको नीली हिंदी में बोलते हैं नीली क्रांति। तो इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। एक्वाकल्चर जो पानी से रिलेटेड जो कल्चर है आप उसकी इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो उसी को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857, ये भी आप 10 स्टार इसको मार सकते हैं क्योंकि ये हर एक बार कहीं ना कहीं आपको कोई एग्जाम में मिलेगा ही, कोई भी एग्जाम देना। वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट 1857 हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग इनका सही होगा आंसर। विच डे सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट डे, नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, तो एक हमारे ध्यानचंद जी का बर्थडे जो है अगस्त 29, उन्हीं के ऑनर पे हॉकी के जो प्लेयर थे, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
जनरली विटामिन्स के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें आपका अनिक नेम उनका पूछा जाता है, ग्रीक नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन सा है। तो विटामिन सी के अलावा विटामिन बी के जो कलेक्शंस हैं जिनको, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, जिनका नाम आप देख सकते, ये कई बार एग्जाम में नाम भी पूछता है, तो B1 का थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेमिन बोलते हैं, B3 का नाइसिन बोलते हैं, ये कभी कभी नाम भी पूछते हैं तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लेकिन वो ये सारे वाटर सोल्यूबल हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, तो इसको देखना है। अब विश्वेश्वरैया आयरन ओर स्टील लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है, ये तो अब देखिए भद्रावती जो है 260 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट बेंगलोर के, ये वहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये है 16 नंबर का क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, सेप्टेम्बर 15 को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, हर एक साल मनाया जाता है, ये एक इंजीनियर्स, फेमस इंजीनियर्स के बर्थडे को मनाया जाता है। आप इंजीनियर्स का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, अभी मुझे भी याद नहीं है। तो इंजीनियर्स डे आपका हमेशा सितंबर 15 को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच सिटीज़ इज कॉल्ड इंडिया सिलिकॉन वैली, ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार रिपीट होता है, तो इसको भी आपको पता ही होगा। बैंगलोर को हमारा सिटी जो है, सिटी कर्नाटका का सिटी है, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। थारू कम्युनिटी, थारू कम्युनिटी लिव प्राइमरीली इन विच स्टेट, देहरी कम्युनिटी जो है आपका मोस्टली उत्तराखंड, यूपी और बिहार में पाया जाता है, ये एक तरह से शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, है ना, जो इस एरिया में पाए जाते हैं, उत्तराखंड यूपी, ये जो आपके लोकेशंस हैं यहाँ पे, अगर आप भारत का मैप देखें तो यहाँ से यूपी बिहार सीरियली और उत्तराखंड, उत्तराखंड यूपी बिहार ये तीनों आपका मैप से अगर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पाए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं थारू कम्युनिटीज़। विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट पोर्ट जो बात करेंगे तो कंडला पोर्ट जो कि कच्छ में है गुजरात के पास, वो है आपका फर्स्ट पोर्ट जो आज़ादी के बाद जो बनाया गया कंडला पोर्ट। लेकिन अगर आज़ादी वहाँ नहीं रहेगा, मान लीजिए इंडिपेंडेंस ना रहे, इंडिपेंडेंस फर्स्ट पोर्ट अगर बात करें तो कोलकाता में बनाया गया था, कोलकाता में, तो इसको याद रखिएगा, कोलकाता में फर्स्ट पोर्ट बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद कंडला पोर्ट, ये कन्फ्यूज ना करें आप। कंतला पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, कंतला पोर्ट देखिए ये गुजरात स्टेट में, पोर्ट जनरली आपके कोई भी हो, है ना, वो कोस्टल एरियाज़ में ही पाए जाते हैं, जैसे कच्छ के रीजन में, आपका कोलकाता के रीजन में, मुंबई पोर्ट्स वगैरह, ये सब सारे जो कोस्टल एरियाज़ में बनाए जाते हैं, तो आप इसे एक तरह से कभी कभी अगर ऑप्शन वैसा ना रहे तो आप गेस कर भी मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा सारे पोर्ट्स आप देख लीजिए, क्योंकि पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्स आप जान समझ सकते हैं कितने सारे पोर्ट्स स्कैम वगैरह, अदानी, बहुत सारे अभी केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, तो उससे इसलिए पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं। अब देखिए, इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम विच रिवर, इंदिरा गांधी कैनाल जो है 20 और 17 रिवर जो पंजाब में, वहाँ से इनको इनको पानी मिलता है, तो इंदिरा गांधी कैनाल को पानी मिलता है 20 और 17 से। तो ये थे टॉप 21 क्वेश्चंस 2023 16 जुलाई 23 का, ये क्वेश्चंस है, ये इस तरह का पैटर्न आप हमेशा ये देख सकते, वही फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प होगी कोई भी। तो चलिए, धन्यवाद।